नृत्य की बात होती है तो तमाम तरह के ऐसे बड़े कलाकार हैं जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स का नाम आता है। कभी सुपरस्टार सलमान का नाम, कभी शाहरुख खान का नाम, कभी अमिताभ बच्चन का नाम, कभी अक्षय कुमार का नाम आपने सुना होगा कि अरबों की संपत्ति की ये मालिक है। लेकिन ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी, यहां तक कि 16 अलग भाषाओं में, भारत देश के 16 अलग भाषाओं में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले दिवंगत सिंगर और अभिनेता बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम का भी नाम उन्हीं शक्तिशाली सेलिब्रिटीज में शुमार है जो कि अरबों की कमाई अपनी मेहनत के बलबूते कमाकर आज बड़ा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करने के लिए। डॉलर्स के मुकाबले देखा जाए तो इंडियन रूपी 70 प्लस है इस टाइम पे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, बल्कि 114 मिलियन डॉलर की कमाई करने वाले भारत देश के वो शख्स है जो कि आज हमारे बीच नहीं है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ, 74 की उम्र में कोरोना से हारकर, कोरोना की जंग में वो हारकर हमारे बीच भले ही जा चुके हो, लेकिन जिंदगी की हर जंग में उन्होंने हमेशा जीत ही हासिल की। हर तरह से शान और शौकत के साथ उन्होंने 60 के दशक से बॉलीवुड में राज किया। आज उनके चले जाने का गम फिल्म इंडस्ट्री को है क्योंकि जबरदस्त उनकी स्किल्स की तारीफ होती थी। तो आइए उनकी संपत्ति और उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों में शामिल बड़े गायकों में हमेशा अपने यूनिक स्टाइल के लिए, अपने यूनिक अंदाज के लिए जाने जाते थे 74 वर्षीय सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनका निधन बीते कल की शाम 1 बजे कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद कारिक अरेस्ट की वजह से हुआ। खैर, दिल की बीमारी बढ़ गई थी और उनका निधन हो गया। 24 घंटे के अंदर ही उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। सलमान खान से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार उनके निधन पर शोक जताते नजर आए थे। और ये भी सच है कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ आशालता बबगांवकर का निधन भी कुछ दिनों पहले हुआ। कुछ दिनों पहले उनका निधन कोरोना वायरस की वजह से ही हुआ था और इसके बाद वो काफ़ी दुखी थे। सुशांत सिंह राजपूत की जांच के बीच अमिताभ बच्चन की करीबी के निधन के बाद सलमान खान के दिल के बेहद करीब एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। खैर, निधन से इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा है और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित भी कर रहा है अपने अपने तरीके से। कभी उड़ीसा तो कभी चेन्नई तो कभी मुंबई, हर जगह पर एसपी बाला सुब्रमण्यम के लिए उनके लाखों चाहने वाले करोड़ों फैंस ने उनके लिए दुआएं की है। लेकिन क्या आपको मालूम है, आज हम जिस एसपी बाला सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं उनकी यहाँ हम संपत्ति की बात करने वाले हैं। और ये हमने आपको बताया ही कि करोड़ों करोड़ों रुपए के वो मालिक थे। वल आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन ये सच है कि 114 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक अकेले एसपी बाला सुब्रमण्यम थे। क्योंकि बहुत लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग करियर थी उनकी सिंगिंग जगत में, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ, मैक्सिमम 16 भाषाओं में, अलग अलग 16 भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज दी थी। देखा जाए तो उनकी संपत्ति अरबों में, आपने शायद ही सुना हो, लेकिन 840 करोड़ 17 हजार संपत्ति के वो मालिक थे, 17,43,000। ये अगर इंडियन रुपी में देखा जाए तो एसपी बाला सुब्रमण्यम की संपत्ति की गिनती इतनी होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पैसों की उन्हें बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन बीमारी के आगे, कोरोना की महामारी के आगे वो हार गए अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए। अरबों की संपत्ति छोड़ गए हैं
एसपी बाला सुब्रमण्यम। उनका पूरा नाम श्रीपति पंडित आराधुयला बाला सुब्रमण्यम है, जो कि ना सिर्फ एक सिंगर बल्कि एक्टर भी रह चुके थे। मीडिया में उन्हें बालू तो कभी एसपीबी के नाम से जाना जाता था। तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम जी आंध्र प्रदेश में जन्म लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले जबरदस्त एक कलाकार थे। 5 बहनों में 3 भाइयों में एक दूसरे बेटे थे वो, जिन्होंने पूरे परिवार का रूप ही बदल दिया था। वैसे तो उनकी आवाज का जादू 90 के दशक से लेकर अब तक चला है, लेकिन 90 के दशक में उनकी करियर पीक पर थी। बताना चाहेंगे हम आपको, एसपी की पत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे सब उनसे बेपनाह प्यार करते थे। कोरोना के डर से वो इतने ज्यादा बेचैन थे कि उन्होंने खुद से ही फैसला लिया कि वो हॉस्पिटल में रहेंगे और वहीं इलाज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा कि इस बीमारी के लिए वो रिस्क ले, क्योंकि उस बीमारी से ऑलरेडी डरते थे। लेकिन लाखों रुपए बीमारी के समय उन्होंने खर्च किया, लेकिन कोरोना ने हार नहीं माना। खैर, अपनी संपत्ति को अब वो अपने परिवार के लिए छोड़कर जा चुके हैं। देखा जाए तो इस अरबों की संपत्ति की अब उनके बच्चे और उनकी पत्नी ही तो मालिक है, जो कि अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। अपनी फैमिली का नाम सम्मान उन्होंने रोशन ही नहीं किया, बल्कि शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी मेहनत और सिर्फ ताकत की बलबूते इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा की, ना सिर्फ सिंगिंग के जरिए बल्कि बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर और डायरेक्टर के अलावा डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर, फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसकी बदौलत उन्होंने अरबों की संपत्ति इकट्ठा की। लगातार गाना गाकर उन्होंने जबरदस्त अपनी पहचान बनाई थी दर्शकों। और तो और, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 60 के दशक से ही उनकी करियर की शुरुआत हुई। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित बाला सुब्रमण्यम की करियर बहुत ज़्यादा शानदार थी, जिन्होंने रजनीकांत, कमल हसन, सलमान के लिए जबरदस्त आवाज दी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो ये था हमारा खास प्रोग्राम एसपी बाला सुब्रमण्यम को लेकर। फेमस प्लेबैक सिंगर, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, फेमस वोकल आर्टिस्ट, फेमस सॉन्ग राइटर, फेमस सिंगर और साथ साथ में फेमस एक्टर के तौर पर, फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर, इन सभी फील्ड में फेमस हुए एसपी बाला सुब्रमण्यम। भले ही हमारे बीच आज ना हो, लेकिन जो योगदान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी है उसे हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जल्द लौटेंगे फिर ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।